गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हमारा जो लेसन नंबर 3 वन बाय प्रश्न को ये काव्य कविता शब्द राम इज राजता उजियारा इज उजाला बंदी इज केली विटाल इज विस्तार चट्टान इज शिला पहरा इज सुरक्षा या रखवाली रोंदना इज कुचलना मंजिल इज लक्ष्य या गंतव्य स्थान मजबूर मींस विवश या असहाय रेगिस्तान मींस मरुस्थल पाटना मींस विभाजित करना घाटी मींस दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान बाहर मींस सुखद वातावरण शोभा या वसन इस कविता में विनय महाजन मतलब ये कविता लिखी विनय महाजन ने तो इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पढ़ना चाहिए हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है संपूर्ण मानव जाति जो है एक विशाल मानव परिवार है सभी मनुष्य समान हैं प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है परंतु यह बड़े दुख की बात है कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर ली है इन्हीं भेदभाव के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें सभी भेदभाव को भुलाकर मिलजुल कर रहने की सीख दी है मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बाट या भगवान को धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को अभी रहा तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को अब भी हरी भरी धरती है ऊपर नील मितान है पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर हर उदास आंगन का पखो खिलती हुई बहार पर रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान ये कविता है मत बांटो इंसान अब इसका अर्थ सबसे पहले मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को धरती बाटी सागर बाटा मन बांटो इंसान कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है परंतु तुमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है सागर के भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया है अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो दूसरा है अभी रात तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है दुनिया में समानता की भावना फैलाने की अभी तो शुरुआत हुई है समानता का भाव पूरी तरह फैलाने में अभी देर है उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घरों में ही है गरीबों के झोपड़ों में तो अब भी दीपक ही जल रहा है थर्ड मिला सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को अभी जो सूर्य का संदेश है प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया है मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है धरती बाटी सागर बाटा मन बांटो इंसान को धरती भी बढ़ गई है सागर भी बढ़ गए लेकिन अब इंसान को इस भेदभाव के मेलों में मत बांटो अब भी हरी भरी धरती है ऊपर नील मितान है पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है ऊपर नीले रंग का विस्तृत आ
ऐसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। हमें हर प्यासी चट्टान को प्यार के लिए तरसते हृदयों को प्यार का शीतल जल देकर उनकी प्यास बुझा देते हैं। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर आंग उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर, रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मन बाटो इंसान को। समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाए और अपना दरवाजा खोल ले। सबके घरों के आंगन में तभी समानता का प्रकाश समानता की भावना फैलेगी। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बहार आती है। विश्व में समानता का अभाव फैलने पर भी कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। सरल कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि अलग अलग पूजाघर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है, सागर में भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया है। अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो। दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घरों में ही है, गरीबों के झोपड़ों में अभी दीपक की जल रही है। अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया। मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है। धरती अभी पहले की तरह हरी भरी है, ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। हमें हर प्यासी चट्टान को प्यार के लिए तरसते हृदयों को प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाए और अपना दरवाजा खोल ले। सबके घरों के आंगन में तभी समानता का प्रकाश समानता की भावना फैलेगी। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बहार आती है। विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। मजबूर कौन है तो मजबूर दीपक है। कभी किसे न बांटने के लिए कहते हैं तो कभी इंसान को बांटने के लिए न बांटने के लिए कहता है। किसके बिना जग सुना रेगिस्तान है तो प्यार के बिना जग सुना रेगिस्तान है। प्यासी कौन है? प्यासी चट्टान है। प्यासी कौन है? प्यासी चट्टान है। प्यासी चट्टान है। अभी तो राह शुरू हुई है लेकिन मंजिल बैठी दूर है। मिला ना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, अब भी हरी भरी धरती ऊपर नील बितान है। पर ना प्यार हो तो जल सूना जलता रेगिस्तान है। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। जनरल क्वेश्चन, इंसान को बांटने से तात्पर्य क्या है? इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े ऊंच नीच जाति पाति गोरे काले आदि समूह में विभाजित करना। कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है। उजियाला कहाँ बनती है? उजियाला धन संभल लोगों के घरों में बनती है। सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला? सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। धरती के ऊपर किसका वितान है? तो धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। प्यार के अभाव में जगत कैसा है? प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। सबके साथ उठने का क्या अर्थ है? सबके साथ
सब में समानता की भावना होना। उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए? उदास आंगन का हक खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाने का मतलब है भगवान का बंटवारा करना। मंजिल अभी बहुत दूर लगती है